हे गाइस, कैसे हो? आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपके पास भी एक डिवाइस है कि ओप्पो रेनो 10 या रेनो 10 प्रो, रेनो 10 प्रो प्लस या कोई भी डिवाइस, मतलब ओप्पो के कोई भी डिवाइस में आप कैसे एज लाइट को एनेबल कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को जरूर आप शुरू से लेकर एंड तक देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना। मिस करो तो आपको एक करते बहुत प्रॉब्लम आएगा, एंड एक करते आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो जो हमारे सोशल हैंडल है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसमें मुझे आप फॉलो करके डीएम कर सकते हो। मैं आपको पर्सनल रिप्लाई देकर आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। एंड गाइस, आप हमारे चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल में आपको हर रोज देखने को मिलेगा। तो गाइस, आपको आपके ओप्पो रेनो 10 सीरीज के कोई भी डिवाइस में, चाहे समझ लो मेरे पास जो डिवाइस है ओप्पो रेनो 10, आप रेनो 10 प्रो या रेनो 10 प्रो प्लस डिवाइस में भी कर सकते हो। आपको ओप्पो रेनो 10 में आपको एज लाइट एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपका फोन के सेटिंग्स में, एंड फोन के सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको इधर आपको एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा, जो कि है वॉलपेपर एंड स्टाइल। तो आपको सिंपली जो वॉलपेपर एंड स्टाइल लिखा हुआ है, आपको सिंपली इसके ऊपर टैप करना पड़ेगा। एंड इसके ऊपर टैप करते आप देख सकते हो आपके सामने बहुत सारे ऐसे इंटरफेस आएगा, जैसे कि फर्स्ट में वॉलपेपर, उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, थीम्स एंड फ्रंट एंड आइकन, बहुत सारे ऑप्शन आएगा। तो आपको सिंपली एज लाइट एनेबल करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो नीचे एक एज लाइट बोल के एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो एज लाइट लिखा आ रहा है आपको इसके ऊपर टैप करना पड़ेगा। एंड एज लाइट के ऊपर आते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप देख सकते हो नीचे तीन कलर दिखा रहा है, मतलब फर्स्ट में डिजेबल, उसके बाद है ब्लू, रेड एंड येलो। तो आप सिंपली, मैं जो ब्लू कलर मुझे अच्छा लगता है, आप देख सकते हो मैंने ब्लू कलर सेट किया, तो मेरा फोन में डिवाइस में जो ब्लू कलर का एज लाइट है वो इनेबल हो गया। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली आपको ये करना पड़ेगा, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली बैक जाना पड़ेगा। एंड बैक जाने के बाद आपका फोन जब लॉक हो जाएगा ना, आपका फोन जब लॉक रहेगा तो आपका फोन में कोई भी मतलब कॉल करेगा या आपको कोई भी एसएमएस आएगा, तो आपको सिंपली जो मैंने जैसे दिखाया, मतलब सिंपली ऐसे ही, मतलब आप देख सकते हो आपको जैसे मैंने दिखाया सिंपली ऐसे ही आपको डिवाइस में ऐसे एज लाइट जलेगा आपको दोनों साइड से, डिवाइस के दोनों साइड से। तो गाइज, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।